हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पीके ओ लोकोमोटिव में फिर से आपको स्वागत करता हूँ। आज फिलहाल एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि जेके इन्वर्टर होल्डिंग मशीन है। उसमें क्या फॉल्ट है आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, ये है जेके आर्क का होल्डिंग मशीन है, जो 230 आर्क का है मशीन है वो। उसमें सिंगल कार्ड वाला मशीन है। सिंगल कार्ड वाला मशीन में उसमें देखेंगे फिजिकली मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ। देखिए, एक हीट सिंक नहीं है और IGBT भी नहीं है उसमें। इधर कोई कस्टमर उसको दूसरे जगह दिया था काम करने के लिए, लेकिन वह वाला सब निकाला हुआ है। मतलब हमारा चारों IGBT लगा हुआ है, लेकिन किसी में भी IGBT नहीं है, पूरा निकाला हुआ है कंपोनेंट। ये वाला PCB को तो मैं रिपेयर नहीं करना चाहती हूँ। उसका रिक्वेस्ट था कि वो करने के लिए, तो मैं कर लिया, करने के लिए रखा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा आज रिव्यू। देखिए, ये वाला उसका ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि चारों IGBT है उसको ड्राइव करता है सप्लाई कर। देखिए, पहले हम IGBT लगाने से पहले हम देखेंगे ड्राइव का एक एक कंपोनेंट, देखेंगे क्या ख़राब है या क्या ख़राब नहीं है, उसके बाद IGBT लगाएंगे। ये वाला IGBT तो ज़्यादा कॉस्टली आता है, इसलिए पहले ड्राइव ठीक करो उसके बाद IGBT डालो। बिना ड्राइव ने टेस्ट ना करके IGBT मत डालो। देखिए, मैं एक डायोड टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये वाला डायोड मतलब बीप साउंड लगा, कंटिन्यू शो कर रहा है। मतलब ये वाला डायोड SMD पैकेज का डायोड है, वो शॉर्ट है। मैं उसको किसी भी से रिमूव करने के बाद भी टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, आपको SMD पैकेज का डायोड है। ये वाला SMD पैकेज का डायोड है, मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, बीप शो कर रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीप शो कर रहा है, मतलब ये शॉर्ट हो गया है। इसके जगह हम दूसरा डायोड डाल देंगे, 400 का डायोड है वो डाल देंगे। और भी कंपोनेंट चेक करेंगे उसमें क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए, इस साइड में ड्राइव क्या सेक्शन में दिखाऊँ, इधर एक 33 किलो ओम का दोनों रेजिस्टेंस मिसिंग था, उसके जगह में रिप्लेस कर लिया। और दूसरा देखिए, ये वाला इस साइड में एक 102 का PF लगा हुआ था, वो भी नहीं है। और देखिए, ये वाला जो इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं उस पर रिप्लेस कर लिया हूँ। 4.7 माइक्रोफैरड 40-50 वोल्ट का कैपेसिटर मैंने रिप्लेस कर लिया। और क्या क्या कंपोनेंट रिप्लेस किया हूँ, देखिए, ये वाला 4 जनरेटर में रिप्लेस किया हूँ, 4.0 का जनरेटर रिप्लेस किया हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने ये वाला MOSFET 4/60 N60 डाल दिया हूँ, इधर IGBT डाल दिया हूँ। और ये वाला जनरेटर रिप्लेस कर लिया, ये वाला 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी डाल दिया और ड्राइव टेस्ट करके ओके कर लिया। अभी मैं सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए, 160 ओम का आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज में चेक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, आउटपुट वोल्टेज हमारा 50 वोल्ट से अबव आएगा। देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 52.0 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा सिस्टम ओके हो गया है। इसमें सिर्फ कंपोनेंट मिसिंग था और कोई भी टेक्नीशियन उसको अच्छी तरह से सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने पर बाद वो वाला कंपोनेंट मिसिंग कर लिया था।